मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसमें प्लीज रिएक्शन वीडियो दीजिए। मैं डिले कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि किसान और गवर्नमेंट का जो चल रहा है उसमें मेरा बोलने का और आपका बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसके बारे में किसान लोग बोल सकते हैं या तो गवर्नमेंट बोल सकता है। इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी ये वीडियो लेके आने के लिए, बट इतना सारा रिक्वेस्ट आया था तो मुझे लग रहा था मेरा एक रिएक्शन वीडियो से थोड़ा कुछ हेल्प हो सकता है, और आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मुझे लगा कि हाँ रिएक्शन वीडियो लेके आना चाहिए। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ रिएक्शन वीडियो लेके किसान एंथम सॉन्ग पे। गाइस इसका व्यूज चैनल कुछ बताने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, मुझे पता नहीं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर कुछ गलत मैंने बोला है तो प्लीज अभी मैं माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर रीति रिवाज है उसको प्लीज पूरा कर देना, वो है चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और कर दो ढेर सारा कमेंट। अगर गाइज लाइक ज्यादा करते हो तो मतलब वीडियो बूस्ट होके बहुत लोगों के पास पहुंच जाएगा। ये भी एक मैसेज के लिए रिएक्शन वीडियो दे रही हूँ मैं कि हाँ कुछ हेल्प मिले किसान लोगों के लिए। अगर मैंने ना गाइस लिटरली देखा है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैंने लिटरली देखा है लोग सड़क पे बहुत दिनों तक रहे हैं और वो वाला रोड पूरा ब्लॉक है, दूसरे रोड से चलना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस टॉपिक को लेके। तो गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो से भी कुछ हेल्प मिलेगा जिसको पता नहीं है, क्योंकि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं यार, मतलब इतने ठंड से, मतलब दिसंबर से लेके अभी तक ठंड गर्मी कुछ भी उनको कुछ नहीं पता, वो लोग बैठे हुए हैं। गाइस लिटरली मैं शुरू में बताना चाहती हूँ मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि किसान के लिए होना चाहिए या गवर्नमेंट जो कर रहा है ठीक कर रहा है वो मुझे कोई आइडिया नहीं है। और गाइस मैं नेपाल से आके तो बोलने का कोई भी हक नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस गाना देखूंगी और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये गाना बहुत सारे पंजाब के सिंगर मिलके बनाए गए हैं। और गाइस स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो विदाउट फर्दर डिले, लेट गेट इनटू द वीडियो। पहला तू ठंड च बिठाए हुण गर्मी आ गई, साढ़े च जमीर आ गई तेरे च बशर्मी आ गई। किन्नियां कुर्बानियां दित्तियां साडी कौम ने बड़ी छेती भुल गए, भोरा तेरा दिल नहीं दुखिया साढ़े बुजुर्ग सड़कां ते बाके, सेक तेरे पिंडे लगे तेनू पता तां लगे। अज भी जदों दिल्ली दे नाल लगदे बार्डर वेखी दे आ, धर्म नाल लू कंडे खड़े हुंदे आ बजुर्गां नूं उत्थे बैठिआं नूं वेख के। इक्को ही गल कहांगे साडियां उह मोड़दा नहीं दिल्लीए तेरे बार्डरां तों, जिन्हों अरदासां जाणगियां या जित के जावांगे या इत्थों साडियां लाशां जाणगियां। ओ लंगरां च साडे नी तू पीजे सुने होणगे, लगदे कनेडा दे आ वीजे सुने होणगे। लंगरां च चलदे तू पीजे सुने होणगे, सिद्धे लगदे कनेडा दे नी वीजे सुने होणगे। यहां साडे खेत जाणगे नी या सिलफासां जाणगियां, या तां जित के जावांगे या लाशां जाणगियां, या तां जित के जावांगे या लाशां जाणगियां, साडियां लाशां जाणगियां। मामे मासियां दे साडे मुंडे दिल्ली, तूं दसी साडे बारे की सुनिया, जट सुनिया फिर गुंडे दिल्ली है, तूं दसी साडे बारे की सुनिया, जट सुनिया फिर गुंडे दिल्ली है, मन्ने आ सोचां तो किसान सुने जे अतवादी दिल्ली है। ओ साथों देखे नहीं जाते गश खा खा डिग देनी, नब्बे नब्बे साल दे बार
जेलां च कोई कहदा इंकलाबी ते कोई गुंडे आए जेलां च आओ मौत नाल खेडे मुंडा कित्थों नी डरे सेंटर नू कल मना चैलेंज करे दो टाइम खावा रुखी झूठ कोई ना तीन टाइम ओदी मैनू धमकी करे जदों अखां पर्दा आ तूफान ही बन जांदा कहंदे मुंडा किसानां दी जुबान ही बन जांदा कुछ सानू योदे दस दे कुछ पत्रकार दिल्ली दे सानू दस दे जो अबदाली आऊ मेरी कलम जमानत दे भावें बोल जावे भी साली तेरे तख्त खिला दूगी दिल्ली ऐ सर्दियां अखां दी लाली आऊ मेरी कलम जमानत दे भावें बोल जावे भी साली जुगनी बैठी दिल्ली दे बार्डर मनदी ना सरकारी आर्डर कहंदी इधर जा फिर उधर जट जाटा दी फस गई चौधर ओ यूपी वालिया दी ए वे यूपी वालिया दी जुगनी जी ए वे एमपी वालिया दी जुगनी जी ए ते फोड़ा वालिया दी जुगनी जी ए ते हुण सारिया दी जुगनी जी ए ते हुण सारिया दी असीं गुजारिश करदे आं हर मुल्क दे बंदे नूं पछताउणा ना पै जे किते समें लंघे नूं असीं हथ जोड़दे आं जज्जां ते वकीलां नूं उहनां तों डरके ना बैठो मुख रखो दलीलां नूं थोनू वास्ता थोड़े पुत्तरां दा साडे पुत्तर मर रहे ने दिल ते हथ रख के दस्यो की ओ चंगी कर रहे ने की ओ चंगी कर रहे ने आज दिल्ली दे मोर्चे उत्ते जो जब रहने के जान के रुट्टे हुन चोरा नल नल के कुत्ते पंजाबियो जागते के सुते ओ पंजाबियो जागते के सुते थोड़े हाथ च कंगना है ते पैर च पायलिया साडे हत्थी झंडे है नी असी दिलां हत्थों कायलिया कोई उंगला ते नहीं मैं नी की दिखी दिखे मैं टाइम नहीं आंदा सब दा वक्त सेम सेम है हत्थ पल्ले खाली है ते अल्लाह साडा वाली है ओ बन में दा फोड़ है ते नब्बे दी ट्राली है मुझ ते नारे बाकी है नारे घेरा पै गया पासे उचारे ए जनरेशन एजुकेटेड फिरदा मारदा खून उबाले हुण पर साडे मुंडिया नाल हवाला तां जानगी शगन तू पाई दिल्ली नी जन जट्टां दी ट्रालियां जट्टां दी ट्रालियां जट्टां दी ट्रालियां च आई दिल्ली नी जन जट्टां दी ट्रालियां जट्टां दी ट्रालियां हरियाणा सरवाला छोटा भाई दिल्ली नी जन जट्टां दी ट्रालियां बड़े बुजुर्ग छोरियां छोरे भाइयों ने ट्रैक्टर के बना दिए घोड़े ऊपर लिकानी देख फहरे तिरंगा मारे देश में हम ते पंगा गरम खून है ये खोलेगा पत्रकार चुप भाईचारा बोलेगा हम रेडी है तू आंसू वाले गोले पा मारे सर पे हाथ बाबा भोले का यो क्रांति की फसल उग के मानेगी कौन सच्चा भी मांगी सरकारी खजाने की कीमत देनी पड़ेगी दाने दाने की यो हरियाणा है प्रधान अड़े थारी ना चलेगी लंगर भी बटेगा बनेगी दिवाली भी आरती के लगे चले गुरबाणी भी जिंदाबाद किसानी की यो आवाज हर हिंदुस्तानी की हाँ चक्के सेंटर जे हफ्तबादिया कहे लै ले उस स्टैंड जिम्मेवारी साडिया कहे मेरी पशी उत्ते पहना है ते वीर भेजे हो जेल बिच लंगर दी खीर भेजे हो मुंडा साडा है शरीफ पिछे कहने आ जे हो जे मैं जेल बिच गया पिछे लैने आ जाओ जे मैं जेल बिच गया पिछे लैने आ जाओ जे मैं जेल बिच गया पिछे लैने आ जाओ जे मैं जेल बिच गया पिछे लैने आ जाओ यो हरियाणा और पंजाब का है भाईचारा श्री बराड़ प्रधान का है भाईचारा कि मैं कर लियो कि मैं करा चाहता हो तेरे पे किसान अकेला खड़ा पावेगा भाई थारा तूने तेरे मशूक बोल दी ट्विटरी उत्ते जट्टा रोल दी मशूक दिल्ली मूरे लाया भाई हुण जागो आईया ओ जागो
ਲਈਏ ਓਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਿੰਨ ਕੇ ਆਓ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੀ ਐਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੀ ਐਮ ਤੇ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੀ ਐਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੀ ਐਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਚੇਤੇ ਐ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਐਂਟੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਮਾਮਾ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ ਜੱਗ ਹੁਣ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਨੂਨੀ ਦਿੱਲੀ ਏ ਸਾਡੀ ਹਰ ਦੂਜੀ ਪੀੜੀ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੀ ਖੂਨੀ ਦਿੱਲੀ ਏ ਸਾਡੀ ਹਰ ਦੂਜੀ ਪੀੜੀ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੀ ਖੂਨੀ ਦਿੱਲੀ ਏ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਤੋਂ ਚੌੜੇ ਟਹਿਰ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾਗ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੱਟ ਨੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੀ ਦਿੱਲੀਏ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਅਨਾਰਾਂ ਨੀ ਦਿੱਲੀਏ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੋਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਥਾਰਾਂ ਨੀ ਦਿੱਲੀਏ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੈਠੇ ਜੱਟ ਸੁਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ ਕਾਫੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਪੱਗ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਜੇਲੋ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੱਟ ਨੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਟੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਰਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੂੰ ਫਟ ਨਵਾਂ ਨਾ ਲਾ ਦੇਈ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਬੋਲਦੀ ਆ ਬੇਪੌਂਦੀ ਭੈਣ ਬੋਲਦੀ ਆ ਉਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਬੋਡਰਾਂ ਤਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀਰ ਮੰਨਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਝਾਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੀਰਿਆ ਲਾਸ਼ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬੋਡਰ ਤੂੰ ਆਈ ਬੇਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਈ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੀਰਿਆ ਲਾਸ਼ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬੋਡਰ ਤੂੰ ਆਈ किसानों के लिए गाना जो पंजाब के बहुत बड़े बड़े सिंगर ने ये गाना बनाया था कि उनको सपोर्ट करने के लिए। गाइस बहुत ही गंदा सिचुएशन है खाने का और दिल्ली। गाइस ये स्टार्ट हुआ था आई थिंक 4-5 मंथ पहले से, क्योंकि मैं भी दिल्ली में हूँ तो मुझे पता है। और गाइस दिल्ली का ठंड इतना गंदा है, मतलब इतना गंदे ठंड में वो लोग रोड पे बैठे हुए थे। बट उन लोगों को मानना पड़ेगा, वो लोग जितना डट के बैठ रहे हैं ना, वो देख के ना मैं सॉल्यूट करती हूँ कि उसमें कोई एज ग्रुप नहीं है गाइस, बच्चों से लेके बूढ़ों तक वहाँ पे बैठे हुए हैं। आई होप जो ये लोग नारा लगा रहे हैं वो है नो फूड नो फार्मर नो फूड। एग्जैक्टली गाइस, जब तक फार्मर नहीं है तब तक फूड नहीं आएगा। बहुत सारे लोग भूखे रहने वाला है, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे कंट्री में और बहुत सारे जगह में पंजाब और हरियाणा से फूड जाता है। अच्छा लगा कि गाइस बहुत सारे सिंगर ने उनको सपोर्ट किया। आई होप सारे फार्मर का डिमांड जो भी है जैसा भी है वो फुलफिल हो, किसी को हार्म ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना जान गुमा चुके हैं गाइस। वो देख के बहुत ही गंदा लगता है गाइस। ये था पार्ट वन किसान एंथम सॉन्ग, और ये देख के बहुत ही, मतलब क्या बोलूं गाइस, इसमें बोलने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ऐसे लोग हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते, देखते देखते भी ये देख के बहुत बुरा लग रहा है गाइस। आई होप ये ही प्रे करूंगी कि गॉड से सब कुछ ठीक हो जाए गाइस। तो आप लोग भी प्लीज जाके देखिए और सपोर्ट कीजिए किसान लोग को गाइस। चलती हूँ आज के लिए। जाने से पहले बताना चाहती हूँ, इफ यू सी दिस फेस बेल फर्स्ट टाइम प्लीज गो एंड चेक आउट ऑल द वीडियो लिंक बिलो। आई नो यू गोना लव देम इफ यू डू। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन टू गेट एन अपडेट एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो एवरी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे गाइस सुबह सुबह 7 बजे। एंड फॉलो मी ऑन माय सोशल राइट देयर, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई एम सुपर डुपर एक्टिव देयर। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय गाइस, स्टे होम स्टे सेफ, और गाइस फार्मर के लिए सपोर्ट करते रहना। बाय बाय गाइस।